हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी है, ग्रुप डी और एनटीपीसी छात्रों की आज की ब्रेकिंग न्यूज हिंदुस्तान.com पर आ चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2019 जल्द सामने आएगी। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट यहाँ पर बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि और एग्जाम एडमिट कार्ड शेड्यूल एग्जाम सेंटर डेडलाइन जल्द जारी करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। जल्द ही रेलवे भर्ती परीक्षा लेकर सामने आएगा। गौरतलब है कि आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन के मुताबिक की परीक्षा पिछले वर्ष यानी 2019 में 19 जून सितंबर के बीच होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आरआरसी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करूँ तो सितंबर अक्टूबर 2019 में होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के 35,260 पदों के लिए 1,26,00,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं पर हम एक ग्रुप डी की 1,00,000 से ज़्यादा कुछ पद, 1,03,000 कुछ पद है जिसके लिए 1,15,00,000 आवेदन आए हैं। समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस में ज़्यादा रहेगा। एनटीपीसी की परीक्षा में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि 35,208 वैकेंसी में 1,26,00,000 फॉर्म, 1,00,000 से अधिक वैकेंसी इसमें तो 1,15,00,000। इसमें वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसमें फॉर्म कम भरे गए हैं। इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, तब भी इसमें फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं एनटीपीसी में। तो कंपटीशन एनटीपीसी में अधिक रहेगा। जो भी छात्र अपनी स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो लगातार जारी रखें। जैसे कि नेक्स्ट अपडेट मिलता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पिछले साल 9 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ये परीक्षा देश के 166 शहरों में 440 केंद्रों में 11 दिन के भीतर 33 शिफ्टों में असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा करवाई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे ही कुछ 150-200 के लमसम आपके शहरों में परीक्षा करवाई जाएगी। 200 से कम तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा है आपकी वो आपकी मार्च से पहले नहीं हो पाएगी। मार्च के लास्ट में ही आपकी स्टार्ट की जाएगी परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।